नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में आपका स्वागत है। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। सीबीआई छापेमारी से बीजेपी पर भड़के सुनील सिंह, बोले किस बात की खुनस निकाल रहे हो। बिहार में आज नई महागठबंधन सरकार का फ्लोर टेस्ट है। इस बीच आरजेडी के तीन नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा। फ्लोर टेस्ट से पहले सीबीआई का बड़ा एक्शन, पटना समेत कुल 24 ठिकानों पर छापेमारी। रडार पर आरजेडी के 5 नेता। बिहार में आज नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार को विश्वास मत हासिल करना है। इस फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी के 5 नेताओं के घर पर छापेमारी हुई। असम की अदालत ने मनीष सिसोदिया को भेजा समन। सीएम हेमंत की पत्नी ने दायर की थी मानहानि की याचिका। असम की एक अदालत ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ के मानहानि के मामले में समन जारी किया है। अदालत ने सिसोदिया को 29 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है। 12 लाख लोगों पर हुई एक स्टडी में बड़ा खुलासा। कोरोना ने दिमाग पर किया गहरा असर। कोरोना पर हर दिन नई चीजें सामने आ रही हैं। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लेसेंट की नई स्टडी बताती है कि कोरोना में दिमाग पर गहरा असर हुआ। मापतोल विभाग का वरिष्ठ निरीक्षक रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने धर दबोचा। मुजफ्फरनगर में मेरठ एंटी करप्शन टीम ने मापतोल विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक और उनके प्राइवेट ड्राइवर को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मंदिर में महिला के साथ अश्लील हरकत करने वाला पुलिसकर्मी गिरफ्तार। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन भीड़ में एक महिला के साथ, आपको बता दें, बदतमीजी के आरोप है। दमकल कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी दमकल कर्मी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। 50 खोखे एकदम ओके महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में भिड़े शिंदे और उद्धव गुट के विधायक। महाराष्ट्र विधानसभा में आज शिंदे गुट और उद्धव गुट आपस में भिड़ते दिखे। इस दौरान उद्धव गुट के विधायकों ने शिंदे गुट पर नारेबाजी करते हुए 50 खोखे एकदम ओके जैसे नारे लगाए। संजीव झा, सोमनाथ भारती समेत 4 एमएलए को 20 करोड़ का ऑफर। आपका बड़ा आरोप कहा यह है केजरीवाल के सिपाही। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा कि हमारे नेताओं की खरीदने की कोशिश की। नो टोल प्लाजा नो फास्टैग, सीधे कटेगा बैंक खाते से टोल। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जल्द ही नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा नहीं दिखाई पड़ेंगे। टोल सीधे वाहन चालक के बैंक खाते से कट जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। अगली खबर बिहार से, कुछ नहीं मिला तो मानहानि का करूंगी केस दर्ज। सीबीआई रेड पर भड़की आरजेडी नेता सुनील सिंह की पत्नी। बिहार में आरजेडी नेता सुनील सिंह के घर पर सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान सुनील सिंह की पत्नी ने कहा कि कुछ नहीं मिला तो मानहानि का केस दर्ज करूंगी। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के पीए ने रची साजिश। आपको बता दें, भांजे का सनसनीखेज आरोप। सोनाली फोगाट मौत मामले में भांजे ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पीए ने मौत की साजिश रची। लंपी वायरस की रोकथाम के लिए मिशन मोड में आई पंजाब सरकार। आपको बता दें, पशुओं के टीकाकरण को लेकर दिया आदेश। पंजाब सरकार ने लंपी वायरस के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 3 दिन में टीकाकरण पूरा करने के आदेश दिए। आप विधायकों का आरोप, पार्टी तोड़ने के लिए बीजेपी ने दिया 20 करोड़ का ऑफर। आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप विधायक अजय दत्त, सोमनाथ भारती, कुलदीप संजीव झा, ये तमाम विधायक हैं जिन्हें धमकी मिली है। 20 करोड़ का ऑफर है, ले लो, नहीं तो मनीष सिसोदिया की तरह तुम पर भी फर्जी मुकदमे कर दिए जाएंगे। गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के मॉल पर सीबीआई का छापा। नौकरी के बदले जमीन मामले में कार्रवाई। सीबीआई ने यह मामला 3 महीने पहले दर्ज किया था। इसके बाद बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पर छापेमारी की थी। इसके बाद सीबीआई ने लालू के पूर्व ओएसडी को गिरफ्तार कर लिया था। सपना चौधरी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम हरियाणा के लिए रवाना। डीसीपी पूर्वी प्राची सिंह ने गिरफ्तारी के लिए गठित की टीम। टोमेटो फ्लू को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, कहा कोविड-19 और मंकी पॉक्स से संबंधित नहीं है टोमेटो फ्लू। टोमेटो फ्लू केरल के बाद अब दूसरे राज्यों में भी फैल रहा है। हालांकि ये वायरस कोरोना या मंकी पॉक्स से संबंधित नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है। पीएम मोदी की देश को सौगात, ताकि इलाज के लिए विदेश ना जाना पड़े। आपको बता दें, कैंसर से मौत के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो साल 2021 में 26.7 मिलियन लोगों को कैंसर हुआ और 2025 तक ये संख्या 29.8 मिलियन तक पहुंच सकती है। कैंसर होने वाले 172 देशों की सूची में भारत का 155वां स्थान है। पीएम मोदी ने मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का किया उद्घाटन। सीएम भगवंत मान बोले, हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पीएम मोदी ने आज जो कैंसर अस्पताल देश को समर्पित किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।